परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ एकादशो अध्यायः विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच। गूढ़ सीख दी आपने, जो आध्यात्मिक स्पष्ट इस कृपा से हो गई। जड़ता मेरी नष्ट, कमल नेत्र है क्योंकि आपसे विस्तृत परिचय पा। भूतों के जन्म मरण भूतों का जाना, प्रभुता नित्य आपकी माना। कहा स्वयं को आपने जैसा, समझा मैंने आपको वैसा। पुरुषोत्तम जो रूप आपका, ज्ञान शक्ति बल वीर्य तेज का। सभी ऐश्वर्य युक्त रूप जो, चाहूं देखूं समक्ष जिसको। समझे समुचित प्रभो आप जो, देख सकूं मैं जो समुचित हो। तो हे अविनाशी योगेश्वर, धन्य करे वह दर्शन देकर। श्री भगवान उवाच। पार्थ हजारों रूप भांति के, देख अलौकिक वर्णाकृति से। पुत्र बारहों अदिति के, अर्जुन मुझ में देख। वसुरुद्र अश्विनी मरुत रूप एक से एक। देख आठ वसुओं को मुझ में, एकादश रुद्रों को मुझ में। दोनों अश्विनी कुमारों को देख, मरुत उनचास गणों को। पहले अनदेखे रूपों को दिखलाऊं अद्भुत रूपों को। बुढ़ाकेश मेरे तन में अब, देख अवस्थित सचराचर जग। जो कुछ और देखना चाहो, देखो तुम्हें दिखाऊं आओ। किंतु प्राकृतिक नयनों द्वारा रूप दिखे ना विराट सारा। दिव्य दृष्टि देता हूँ तुझको, तभी देख पाओगे मुझको। मेरे ईश्वर रूप तत्व को, देखो अर्जुन योग शक्ति को। संजय उवाच। महयोगेश्वर हरि ने राजन तत्पश्चात, दिव्य रूप निज पार्थ को दिखलाया साक्षात। अनेक मुखों नेत्रों से युत, अनेक दर्शन वाले अद्भुत। आभूषण अनगिनत सजाए, हाथों में दिव्यास्त्र उठाए। माला दिव्य वस्त्र भी धारे, दिव्य गंध लेपित तन सारे। हो संयुक्त सब आश्चर्यों से, सभी ओर से बिन सीमा के। विराट स्वरूप परम देव जो, दिखा पार्थ को परमेश्वर वो। उदित हजारों सूर्य सदृश वो, लगे प्रकाशित अंतरिक्ष जो। वो भी विश्व रूप के आगे, आभाहीन कदाचित लागे। उसी समय में पांडु पुत्र ने, देवों के भी देव कृष्ण के। तन में राजित देखा जग को, विविध भांति से था विभक्त जो। तभी रोमांच भरा धनंजय, विश्व रूप लख वो प्रकाशमय। विस्मित
अर्जुन ने तभी भक्ति भाव के साथ फिर से कर नमन उन्हें कहा जोड़ कर हाथ। अर्जुन उवाच, देव आप में सब देवों को देख रहा हूँ, सब भूतों को, कमलासन पर ब्रह्मा जी को, दिव्य सर्प ऋषि महादेव को। हे स्वामी संपूर्ण विश्व के देख रहा अनगिनत रूप वे, कई पेट मुख भुजा युक्त हैं, नेत्र अनेकों यथा उक्त हैं। विश्व रूप ना दिखे अंत ही नहीं, आपका मध्य आदि ही दिखे, आप तो मुकुट युक्त भी, गदा युक्त भी, चक्र युक्त भी। तेज पुंज चहु दिशा प्रकाशित, अग्नि प्रदीप सूर्य संभाषित, दिखे बड़ी कठिनाई से जो देख रहा हूँ अप्रमेय वो। योग्य जानने जो वही परमेश्वर है आप, रक्षक अनादि धर्म के जग आश्रय भी आप। अविनाशी है आप सनातन, ऐसा माने है मेरा मन, आदि अंत अरुमध्य रहित भी अनंत सामर्थ्यवान आप ही। रविचंद्र से नेत्रों वाले आप, अनंत भुजाओं वाले, देख रहा मुख अग्नि प्रज्वलित, दिखे जगत होता संतापित। स्वर्ग भूमि के बीच महात्मन, पूर्ण आपसे सब दिशा गगन, देख अलौकिक रूप भयावह, तीन लोक हो रहा व्यथित यह। नाम आपके गुण उचार कर, शुभ हो ज्ञानी मुनि पुकार कर, उत्तम उत्तम स्तुतियों द्वारा स्तुति देव संघ गावे सारा। आठों वसु जो रुद्र ग्यारह हो, तथा साध्य गण सूर्य बारह हो, विश्व देव अश्विनी कुमारा, मरुत यक्ष पितरादि अपारा। राक्षस गण समुदाय सिद्ध के देख आपको चकित हुए वे, नेत्र हाथ मुख आपके महाबाहो अनेक, लोग सभी व्याकुल हुए विकट रूप ये देख। अनेक जंघा पैरों वाले, अनेक दाढ़ों उदरों वाले, देख आपका रूप ये महा, मैं भी व्याकुल हुआ जा रहा। हे विष्णु नभ छूने वाला, अति तेजस्वी वर्णों वाला, नेत्र प्रकाशित अति फैला मुख, भय से पाऊं नहीं धैर्य सुख। मुख भीषण दाढ़ों के कारण, प्रलय अग्नि का वहां प्रज्वलन, देख उन्हें मैं दिशा भ्रमित हूँ, तथा तनिक मैं नहीं सुखी हूँ। हे देवेश अतः प्रसन्न हो, जगन्निवास आप प्रसन्न हो, सभी वे आत्मज धृतराष्ट्र के, समुदायों संग राजाओं के। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, घुसा आप में तथा कर्ण व योद्धा प्रमुख, स्वपक्ष के भी भीषण दाढ़ों के मुख में ही। दौड़ दौड़ के बड़े वेग से चले जा रहे भीतर मुख के, और हो कई चूर्ण सिरों से चिपके दिखे बीच दांतों के।
जो सरिता की धार का हो सिंधु में निवेश, क्यों जलते मुख में दिखे करते वीर प्रवेश। जो पतंग अति गति से उड़कर मरते जलती लौ में बढ़कर, लोग दौड़ तब मुख में गति से करते प्रवेश स्वनाश मति से। अग्नि मुखों से सब लोगों को चाट चाट खाते ग्रासों को, विष्णु आपके उग्र तेज से तपा जा रहा जग समस्त ये। कृपया निज परिचय बतलाए, उग्र रूप अपना समझाए, श्रेष्ठ देव है नमन आपको, तुष्ट होइए नमन आपको। चाहूं जानना नर आदि जो, क्योंकि न जानू तव प्रवृत्ति को। श्री भगवान उवाच, मैं लोकों का अंतकाल हूँ, बढ़ा हुआ एक महाकाल हूँ, सब लोकों के सर्वनाश हित इसी समय मैं हुआ क्रियान्वित। ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, तेरे बिन भी सभी मरेंगे, सभी शत्रु को जीत ले कर उठकर उद्योग, धन धान्य युक्त राज्य है हे अर्जुन तू भोग। शूरवीर का समूह सारा पूर्व मृतक है मेरे द्वारा, अतः हे सभ्य साचिन सुन लो, केवल निमित मात्र तुम बन लो। द्रोण आचार्य भीष्म पितामह जयद्रथ कर्ण अनेक वीर, व मरे हुए मेरे द्वारा जो मार वीर इन योद्धाओं को। विजयी होगा तू ही रण कर, भय मत कर उठ अर्जुन रण कर। संजय उवाच, केशव के वचनों को सुनकर पार्थ मुकुटधारी ने नम कर, भय से कंपित जोड़े कर वो हो गद गद बोला नटवर को। अर्जुन उवाच, अंतर्यामिन यही उचित है, तव गुण से यह जग हर्षित है, नाम विभव तथा कीर्तन से प्रेम प्राप्त कर रहा जगत ये। उधर चहूं दिश भाग रहे हो राक्षस भयभीत, इधर सिद्ध गण कर रहे नमस्कार सुपुनी। जो है सृष्टा ब्रह्मा के भी, सब में सबसे बड़े आप ही, फिर कैसे क्यों ना महात्मन करे आपको सभी जन नमन। हे देवेश जगन निवास है, आप परे हैं सत असत्य से, परम आश्रय देव पुरातन, आप पुरुष सर्वज्ञ सनातन। आप श्रेय है परम धाम है, अनंत रूप सर्वत्र आम है, आप वायु यमराज अग्नि है, आप वरुण चंद्र प्रजापति है, ब्रह्मा के भी पिता आप हो, सहस्र बार है नमन आपको, नमन आपको, नमन आपको, बार बार है नमन आपको। हे अनंत है नमन आपको, हे सक्षम है नमन आपको, आगे से है नमन आपको, पीछे से है नमन आपको।
सभी ओर से नमन आपको, नमन आपको, नमन आपको, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली कुछ भी नहीं आपसे खाली। अनजाने में आपका किया बड़ा अपमान, क्षमा करें अपराध वो मुझको अपना जान। इस वैभव से था अनजाना, सखा आपको निज था माना, कभी प्रेम अथवा प्रमाद से मैंने जो कुछ कहा आपसे। हे यादव, हे कृष्ण, हे सखे, इस प्रकार बिन सोचे समझे, कभी हंसी में कभी घूमते, सोते बैठे भोजन करते, एकल कभी सखाओं सम्मुख कहा, हास्य के प्रति हो उन्मुख, किए गए मेरे द्वारा जो, क्षमा करें अपराध सभी वो। सचराचर में अग्रणीय हो, महापिता गुरु पूजनीय हो, कोई नहीं समान आपके, हो फिर कैसे बड़ा आपसे। अतः प्रभोधर शुद्ध भावना, करूं आपकी मैं उपासना, तन चरणों में करूं समर्पित, करूं नमन आपको निवेदित। बंधु बंधु पितु सुत की जू, क्षमा करे हर भूल, क्षमावान कर दे क्षमा मेरे दोष समूल। मैं हर्ष तुहू रूप देखया, पर अन देखा था अब तक वह, हे देवेश तुष्ट हो जावे, विष्णु चतुर्भुज रूप दिखावे। गदा चक्र हो लिए हाथ में, शीश मुकुट हो धरा साथ में, विश्व रूप वह रूप दिखाए, रूप चतुर्भुज को प्रगटाए। रूप आपके अचरजमय, ये देख हुआ मैं आकुल भय से। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन तुझ पर करुणा कर, अपनी योग शक्ति के बल पर, परम तेजमय रूप यह आदि असीम अपार, तुमने ही देखा इसे अर्जुन पहली बार। वेद यज्ञ न पठन पाठ से, क्रियादान न उग्र ताप से, मनुज लोक में विश्व रूप यह शिवान तेरे दर्शनीय वह। भीषण रूप देख कर मेरा विकल मूढ़ मन हो ना तेरा, प्रथम पार्थ तू भय विमुक्त हो, अंतर मन से प्रीति युक्त हो। फिर चतुर्भुजी रूप देख वो, शंख चक्र पद्म गदा युक्त जो। संजय उवाच, वासुदेव भगवान ने यह कह, रूप चतुर्भुज दिखलाया वह। सौम्य रूप केशव ने धर के, किया पार्थ को अभय धैर्य दे। अर्जुन उवाच, हे जनार्दन रूप आपका, शांत चित्त जो है मानुष का, मनुज रूप में आपको देख हुआ स्थिर चित, स्वाभाविक भी हो गया मैं आपके निमित्त। श्री भगवान उवाच, रूप चतुर्भुज हुआ सुलभ जो, दर्शन है अति ही दुर्लभ वो, करें कामना देव दरस की, सदा चतुर्भुज इसी रूप की।
ना मैं वेदों से तप से ही नहीं दान या यज्ञ से नहीं मैं ना देखा जाता ऐसे अर्जुन देखा तुमने जैसे अर्जुन रूप चतुर्भुज वाला जो होकर मुझ में मन वाला मुझे सामने देख सके वो मुझे तत्व से जान सके वो जो आतुर मुझ में आने को हूँ उपलब्ध उन्हें पाने को केवल मेरे हित जो भी नर रहे कर्म करने को तत्पर पार्थ भक्त कोई मेरा हो रहे परायण निरासक्त जो भूत प्राणियों में रखे नहीं वैर का भाव मुझे प्राप्त वो भक्त जो मुझसे रखे लगाव ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः ॐ श्रीमद्नारायण नारायण नारायण श्रीमद्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय ओम शांति शांति शांति